बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही सीरीज 1-1 पर समाप्त हो गई। बांग्लादेश की दूसरी पारी 157 रनों पर समाप्त हुई और मेहमान टीम को 86 रनों का लक्ष्य मिला, जो उन्होंने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कल के स्कोर 377/9 सेकंड आगे खेलते हुए एक भी रन न जोड़ते हुए अंतिम विकेट भी गंवा दिया, लेकिन उन्हें 72 रनों की बढ़त प्राप्त हो गई। इसके बाद बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन 11 रन के निजी स्कोर पर ही पैट कमिंस ने सौम्य सा प्रकार 9 को रेनशो के हाथों कैच कराकर मेजबान टीम को पहले झटका दिया। इसके बाद तमीम इकबाल भी 12 रन बनाकर नाथन लान की गेंद पर मैथ्यू वेट को कैच थमाकर चलते बने। शुरुआती झटके लगने के बाद मेजबान टीम आखिर तक नहीं संभल पाई और लगातार विकेट पतन जारी रहा। मुशफिकुर रहीम 31, सब्बीर रहमान 24 और मोनिमुल हक 29 ने जरूर कुछ संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन नाथन लान की टन लेती गेंदों के सामने किसी के भी पा व क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं जमे। पहली पारी की तरह लान ने दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 60 रन देकर 6 विकेट छटके और बांग्लादेश की दूसरी पारी महज 157 रनों पर सिमट गई। लान ने 2 मैचों की सीरीज में 22 विकेट छटके और मुरलीधरन के साथ ऐसा करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी बन गए। विश्व रिकॉर्ड रंगना हिरात के नाम है, जिन्होंने 23 विकेट छटके हैं। इसके अलावा इस वर्ष लायन के टेस्ट मैचों में 46 विकेट हो गए हैं और जडेजा अश्विन प्रत्येक के 44 विकेट से आगे निकल गए हैं। 86 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कंगारुओं की शुरुआत भी बिगड़ गई और डेविड वॉर्नर 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद रेनशो 22 रन बनाए, लेकिन उन्होंने भी शाकिब अल हसन ने चलता किया। कुछ देर बाद कप्तान स्टीव स्मिथ भी 16 रन पर तैजुल इस्लाम का शिकार बन गए। पीटर हैंडस्कुंब 16 और ग्लेन मैक्सवेल 25 ने लक्ष्य के लिए जरूरी रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से जीत दिला दी। बांग्लादेश ने पहली पारी में 305 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 377 रन बनाए। पहली पारी में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लान ने 7 विकेट छक्के थे। मैच में उन्होंने कुल 13 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।